श्याम फिनिश सोसाइटी और नगरपालिका परिषद हरदोई के संयुक्त प्रयासों से वार्ड संख्या 5 और 21 से निकलने वाले सूखे कचरे में दैनिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक लगभग 1 MT के कानपुर के रिसाइकल मेकर्स श्याम द्वारा झूला बनवाया गया। निष्प्रयोज टायरों को गमला, कुर्सी और क्यारी का रूप दिया गया और गीले कचरे से निर्मित जैविक खाद वासियों को समर्पित की गई। शाम 6 बजे अध्यक्ष नगरपालिका परिषद सुख सागर मिश्र, मधुर जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी द्वारा लोकार्पण किया गया और कचरे को पृथक रूप देने के लिए नगर वासियों को प्रेरित किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान की अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा बेकार को आकार देकर उपयोगियों वस्तुओं द्वारा बनाए झूले और राखियां आदि बनाने के लिए सम्मानित किया गया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। त्यागी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज इन्होंने शहर में एक ऐसा काम किया है जिसके लिए शासन से और हम लोगों के स्तर से, नगर पालिका से और आप लोगों के लेवल से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और वो है स्वच्छता। आप जानते होंगे इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि हमारा शहर, हमारी सड़कें, हमारी गलियां साफ सुथरी हों। उसी के क्रम में DCM शुगर मिल ने एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि ये प्रयास आगे भी बढ़ते रहें। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, हमारे शहर में कुल 26 वार्ड हैं और हर वार्ड से 2 तरह का कचरा निकलता है, एक सूखा होता है और एक गीला होता है और तीसरा एक होता है जो सीवेज से अंदर अंदर पाइपलाइन के माध्यम से बाहर जाता है। तो दोनों के ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। आपने सुना होगा 6-7 किलोमीटर दूर एक स्थान है जहाँ MRF सेंटर बना हुआ है, जहाँ आपका सूखा कचरा जाता है और वहाँ उसको अलग अलग किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। नीचे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए करीब 8-10 किलोमीटर दूर एक गांव है, क्या नाम उसका, नीर में बना है, वहाँ आपके सीवेज की ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। आप लोगों से इस अवसर पर एक अनुरोध करूँगा, नगर पालिका तो प्रयास कर ही रही है, हमारा शहर, हमारा जनपद तभी स्वच्छ हो सकता है जब सभी लोग सहयोग दें। सुबह से शाम तक निरंतर नगर पालिका की टीमें सफाई के लिए प्रयास करती हैं। अभी आपने देखा होगा बारिश 1 महीना पहले खत्म हुई है, बारिश के दौरान भी हमारे यहाँ वाटर लॉगिंग हुई, जगह जगह पर कई मोहल्लों में पानी इकट्ठा हुआ,